हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज तेरे टेस्ट का रिजल्ट आ गया ना? काकू, एक केक। अरे, तेरा रिजल्ट सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना? मम्मी, केक कट कर। काकू, मेरा रिजल्ट मींस कि मैं पुष्पा, जिंदगी में कुछ भी पहली बार हो ना, उसे दिल से मनाना चाहिए। आज तो स्कूल की परीक्षा में पहली बार फेल हुई है ना? रजनी, जब मुझे बताया, मैं तो दंग ही रह गया। मैं भी। मम्मी, आज 10 स्केच का ऑर्डर आया, तो मैं तो सोच रहा था कि खुशी मनाऊं कि तू फेल हुए, उस बात का दुख करूं। बोल, समझ ही नहीं आ रहा था। राधा काकू का ये अनोखा तरीका है, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी ना, इस बार आखिरी आई है। तो क्या, दोनों नंबर ही तो है, कभी भी बदल सकते हैं। पुष्पा, हमें रिजल्ट को नहीं, प्रयत्नों को सेलिब्रेट करना है, कोशिश की दाद देनी है। पुष्पा, हिम्मत की पीठ थपथपानी है। स्कूल सिर्फ निर्मला नानावटी हाई स्कूल नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पर स्कूल है, हर मोड़ पर सीख है, सबक है। पुष्पा, वो आज फेल नहीं हुई है। हाँ, उस दिन जरूर होगी जिस दिन तू सीखना बंद करेगी, बदलना बंद करेगी। हार सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है, उसे तो हमें प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। जितना हार सिखाती है ना, जीत में उस सिखाने की ताकत कहाँ? तो क्यों ना हार को भी मनाया जाए उसी खुशी से जिस खुशी से हम जीत को मनाते हैं। हार तो वो शक्कर है जो जीत को भी मीठा बनाती है, है ना? ये सारे सुबह के कहीं लिख कर रखती हो काकू? मींस के ऐसे जादूगर की तरह एकदम बराबर टाइम पर अपनी झोली में से कैसे निकालती हुई सारी सीखे? कैसे? एक झटके में मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया आपने। जो समाज जीत मनाना सिखाता है, उस समाज को हार पचाना भी सिखाना होगा, नहीं तो ये सीख अधूरी है। यह हार नहीं है पुष्पा, सिर्फ सेटबैक है। रुक, संभल, सोच और फिर शुरू हो जा। यस, वी नीड टू नॉर्मलाइज फेलियर्स। लेकिन तू इससे प्रभावित मत होना, फेल हो गई ना तो केक नहीं कटेगा, फटके पड़ेंगे। चल अब तू केक कर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।